सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अब ड्रीम टाउनशिप में हालात कुछ बदल से गए थे। यहाँ लोगों में एक दहशत सी फैल गई थी। यहाँ पर बार बार डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी थी। कभी शेट्टी के रेस्टोरेंट में खाना ही गायब हो जाता था, तो कभी सुपरमार्केट की धान की गोनियां अचानक खाली हो जाती थी। पर थोड़ी देर बाद वापस सब कुछ ठीक ठाक लगता था, जैसे कुछ अजीबो गरीब हादसा हुआ ही ना हो। ऐसा ही अजीबो गरीब हादसा केशु के साथ हुआ। एक दिन अपने बंगले की सीढ़ियों से वो फिसल गया, पर फिसलते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में गिर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाकर गिर रहा है। वो गिरता ही जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज कुएं की अंधेरी दीवारों से टकरा के बंद हो रही थी। जब वो नीचे गिर पड़ा तो बेहोश हो गया। जब होश आया तो कितना समय निकल गया वो समझ नहीं पा रहा था। आसपास कुएं की दीवारें दिख रही थी और ऊपर बहुत ही दूर आसमान दिख रहा था। मतलब कुएं से बाहर निकलना नामुमकिन था। कितना भी चिल्लाओ कोई फायदा नहीं था। केशु हिम्मत हार चुका था। मैं तो अपने घर की सीढ़ियों से गिरा था, तो यहाँ कैसे पहुँच गया, केशु ने अपने आप से पूछा। और एक हैरानी की बात ये थी कि इतने ऊपर से गिरने के बावजूद केशु को चोट नहीं आई थी, पर ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक केशु ने देखा कि कुएं से कोई झांक रहा है। केशु ने ठीक से देखा तो देख के डर गया। वह वही स्केयरक्रो था। स्केयरक्रो अब कुएं के अंदर उतर रहा था। वह जैसे जैसे करीब आने लगा, केशु के हाथ पांव डर के मारे कांपने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, स्केयरक्रो से बचाओ। तभी अचानक उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और माँ ने उठाया। तब जाकर केशु को समझ आया कि वो कुएं में नहीं था, वो अपने घर के बिस्तर से नीचे गिर गया था। माँ ने उसे उठाया तब केशु बहुत डरा हुआ था। अब हर घर में किसी ना किसी को ऐसे भूतिया अनुभव होने लगे। लोग घर के बाहर निकलने से डरने लगे। घर में भी पता नहीं किस पल अचानक क्या हो जाए। और फिर एक रात जब सब कुछ सुनसान था, हर कोई अपने घर पर ही था कि अचानक कुछ आवाज आने लगी। पूरे टाउनशिप की लाइट चली गई, घूप अंधेरा छा गया, मोमबत्ती लगाने की कोशिश भी बेकार हो गई। मोमबत्तियां जलाते ही बुझ रही थी। बड़ा सा तूफान आया था। तूफान की आवाज ही इतनी डरावनी थी कि लोगों के होश उड़ गए। बच्चे माँ से लिपट कर बैठे। जो हो रहा था वो बड़ा शैतानी लग रहा था। अचानक घरों की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी, पर्दे ऐसे उड़ने लगे जैसे किसी के पंजे गला पकड़ने के लिए झपट रहे हो। दरवाजे जोर जोर से खुल बंद होने लगे। घर के दरवाजों पर कोई जोर जोर से धक्के दे रहा था। लग रहा था कि कोई शैतानी साया घर में घुसने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। स्विमिंग पूल के पानी में समंदर की तरह ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लगने लगा तूफान के साथ साथ भूकंप भी आया हो। लोग अपने परिवार के साथ तो कहीं कहीं पे बड़े लोग भी पलंग के नीचे जाकर छुप गए। पूरी रात दिल दहला देने वाला सिलसिला जारी था। सुबह जब सब कुछ शांत हो गया तब पूरा मंजर बदल चुका था। दबे पांव खिड़की से देखने लगे। घरों में रखे हुए कांच की चीजें टूटकर बिखर चुकी थी। बड़े बड़े टीवी उड़कर किसी और जगह पर गिरे पड़े थे। सारे घरों में मिट्टी के मलबे बने थे। इसमें सबसे डरावनी बात यह थी कि उस मिट्टी के ढेर से ऊपर उठने वाले हाथ दिख रहे थे, तो कहीं पे उसी मिट्टी में किसी औरत का चेहरा दिख रहा था। वह इतना डराने वाला दृश्य था कि वो मिट्टी साफ करने की भी हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। फोन पर पूछताछ के बाद पता चला कि शहर में तो कोई तूफान ही नहीं आया था, तो इतना बड़ा तूफान सिर्फ टाउनशिप में कैसे आया। घरों के बाहर झांकने पर सब कुछ उड़ा हुआ दिख रहा था। घरों के बाहर रेत का समंदर दिख रहा था। इन सारी उथल पुथल में वो स्केयरक्रो टस से मस नहीं हुआ था। ऐसे खड़ा था जैसे उसी ने रात में बवंडर को न्योता दिया हो। वही आकर लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था। अब इस जगह पर एक पल के लिए भी रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसका हल भी क्या निकाले। तब पाटिल के बंगले में काम करने वाली कमला ने अपने पहचान के बाबा से इसका मशवरा लिया
और बीजू का तोड़ने की सलाह टाउनशिप के लोगों को दी। कमला की बात यूं तो कोई सुनता नहीं था, पर इस बीजू का में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, ये सबको लगने लगा था। तो सब लोगों ने मिलकर वो बीजू का हटाने की कोशिश की, तो बड़ा ही अजीब हादसा हुआ। उस बीजुका को हाथ लगाते ही कौओं की काएं काएं सुनाई देने लगी, पूरे आसमान पर पंछी छा गए। दिन में रात लगने लगी, पंछी आकर बीजुका छूने वालों पर हमला करने लगे। यह तो बहुत ही गजब बात थी। पंछियों को फसल से दूर रखने का काम स्केयर क्रो करता है, पंछियों का वो एक तरह से दुश्मन होता है, फिर ऐसे बीजुका को बचाने पंछी एकजुट कैसे हो गए। भयानी बिल्डर को तुरंत बुलाया। बयानी को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कोई पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं था, ना पहले कोई शमशान था जिसकी वजह से ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हो। फिर कमला के पहचान के उस बाबा को बुलाने का फैसला लिया गया। पहले सबको लगा वो बाबा कोई नकली बाबा होगा, पर वो बिल्कुल वैसा नहीं था। जब बाबा ने टाउनशिप में कदम रखे तभी उन्होंने खतरा भांप लिया। वो शांति से दीवार पे चढ़कर बीजुका से बातें करने लगा। सबने समझा कि ये बाबा पागल हो गया है या फिर नौटंकी कर रहा है, पर जब बाबा दीवार से उतरकर सबके बीच आए तब उनके चेहरे पर दया भाव था। भयानी को देखकर बाबा बोले, शमशान पर इमारत बनाने का नतीजा है ये। भयानी गुस्सा हो गया और उसने कहा, झूठ मत बोलिए नकली बाबा, यहाँ कोई शमशान नहीं था। अगर शमशान नहीं था तो क्या था यहाँ पे? भयानी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बंजर जमीन थी यहाँ। बाबा ने बीजुका की तरफ देखा और फिर भयानी से पूछा, बंजर जमीन तो अब हो गई है, टाउनशिप से पहले जमीन बंजर कैसे हो गई है? भयानी कोई जवाब नहीं दे पाया, वह चुप हो गया। तब बाबा बोले, जवाब नहीं है तुम्हारे पास, ये बीजुका जवाब देगा, देखो। और बाबा ने अपने झोले से कुछ अनाज के दाने बीजुका पर फेंके और कमाल हो गया, वह बीजुका अचानक इंसान की तरह बोलने लगा, बयानी क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ बंजर जमीन कैसे बनी? मैं बताता हूँ, सालों से यहाँ एक छोटा सा गांव था, गरीब किसान रहते थे और इस जमीन पर खेती करते थे, अनाज उगाते थे। जो तुम शहर वाले खाते थे, तुम्हारा सुपरमार्केट हो या रेस्टोरेंट हो या फिर घर में लंच डिनर करना हो, तो खाना जिस अनाज से बनता है वो अनाज इस जमीन पर उगता था, उसे उगाते थे यहाँ के किसान। पर इस गांव पर भयानी बिल्डर्स की नजर पड़ी, खेतों की जमीन उसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी। उसने किसानों से बात की पर कोई अपनी माँ समान जमीन बेचने को तैयार नहीं था। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होने के कारण उसे यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत भी नहीं थी। फिर इस भयानी बिल्डर ने अपनी चाल खेलना शुरू किया, भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा खिलाकर यहाँ के किसानों को खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल कर दिया। सारा पानी अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस बिल्डर ने इस्तेमाल किया। यहाँ के कुएं पानी के बिना सूख गए, फसलें मिटने लगी, मिट्टी पर केमिकल छोड़ने लगे ताकि कोई फसल यहाँ ना उग पाए। मैं बीजुका था, पंछियों से अनाज की रक्षा करता था, पर भयानी से खेतों की रक्षा करना मुश्किल हो गया था। पंछी अपने पेट के लिए जितना जरूरी था उतना ही अनाज ले जाते, पर भयानी जैसे बिल्डर की भूख पंछियों से कहीं ज्यादा है। उसने पूरा गांव तबाह कर दिया, कर्जा देने के बहाने जमीनें हथियाना शुरू कर दिया, शहर वालों को अनाज मुहैया करवाने वाले किसान भूखे मरने लगे, उनके बच्चे भूख प्यास से तड़पने लगे थे। देखते देखते हरे भरे खेतों से लहलहाने वाला गांव बंजर हो गया, बेहाल किसान पेड़ों से लटक कर खुदकुशी करने लगे, ना खेत बचे ना किसान, पंछी दाना चुभने आते भी अब कहां। जमीन हथियाने के बाद यहां टाउनशिप बना दी, लोग आकर बस गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहां एक जिंदा संस्कृति बसती थी जो उजाड़ी गई थी। अनाज की रक्षा करने वाले बीजुका को कंस्ट्रक्शन वालों ने डेकोरेशन का पीस बनाकर ऐसे खड़ा कर दिया, किसकी रक्षा के लिए? जब खेत नहीं बचे, अनाज नहीं बचा, किसान नहीं बचे, तो तुम लोग कैसे बचोगे? कैसे बचोगे तुम लोग, कैसे? स्केयर क्रो चुप हो गया। टाउनशिप के लोग ये कहानी सुनकर दंग रह गए। भयानी की हालत डर के मारे पतली हो गई थी।
सारे डर के माहौल की जड़ उसके ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में थी। टाउनशिप के लोगों ने कुछ ही दिनों में अपने घर खाली कर दिए। उल्टा बयानी ने अपने पैसे वापस मांगने लगे, बयानी पर केस कर दी, जिसके चलते बयानी को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में आगे की जिंदगी बितानी पड़ी। नए लोग रहने की सोच भी नहीं सकते थे। ड्रीम प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था। सालों गुजर गए, बयानी ड्रीम टाउनशिप खंडहर बन चुकी है। अब यहाँ केवल अंधेरा है, वीरान है, टूटी फूटी दीवारें, और उसी में से एक दीवार पर वो विजुका, उस अनाज की रक्षा करने जो अब बचा ही नहीं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।